Assalamualaikum friend, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed with chapter 14, जिसमें हम लोग comparison of adjectives देख रहे थे. इसमें करीब करीब सारे rules हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम positive degree को comparative और superlative degree में convert कर रहे हैं. इसमें देखिए आगे कुछ headings हैं और इन्हें देखते हैं. पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 पर लिखा हुआ है कि कभी भी हम कंपरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री को डबल नहीं कर सकते. डबल करने का मतलब यह है, जैसे यह हमारे सामने एक सेंटेंस है, प्रिया इज द मोस्ट प्रीटीस्ट गर्ल इन द स्कूल. यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको डबल कर दिया गया. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रीटीस्ट की एसटी लगा हुआ है, इससे ऑलरेडी ये सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म हो चुका है. फिर अलग से मोस्ट लगा दिया गया है. यहाँ पर ये भी सुपरलेटिव बता रहा है, ये भी सुपरलेटिव बता रहा है. यहाँ पर कितने डिग्री कितनी बार यूज किया गया, दो बार यूज किया गया है. इस वजह से ये सेंटेंस अब हमें क्या होगा, रोम होगा. क्योंकि प्रीटीएस के साथ प्रीटी के साथ हमेशा प्रीटीएस यूज किया जाता है, मोस्ट का यूज नहीं किया है. इस वजह से इसे यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो हमारा चैप्टर दो का प्रीलिया इज द प्रीटीएस गर्ल इन द स्कूल, ये करेक्ट है होगा. तो बात समझ आ गई कि कभी भी हम डबल कंपरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते. इसमें और भी सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं. अगली हेडिंग है, हम देखें कि जब भी एडजेक्टिव का हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज करने के बाद देन लगाते हैं. क्या लगाते हैं, देन. जैसे बोला जाता है बिगर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, और प्रीटियर देन. तो कंपैरेटिव डिग्री में जो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा क्या आता है, देन आता है. लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनमें कंपैरेटिव डिग्री लगाने के बाद हम देन का यूज नहीं कर सकते, उसके प्लेस पर देन के प्लेस पर आपका टू का यूज किया जाता है. तो जो जो आपके हैं देख लीजिए, जैसे पेज नंबर 66 पहला है, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस. लेकिन सीनियर के केस में, जब आप सीनियर एडजेक्टिव देंगे, इसके केस में आप देन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके प्लेस पर आप टू का यूज करेंगे. तो सीनियर के साथ टू का, और इसके बाद आपका जूनियर के साथ भी आपका टू यूज होगा, उसके बाद तीसरा आपका इंफीरियर के साथ भी आपका टू यूज होता है. तो यहाँ पर तीन एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तीन तीनों के साथ आप जो है देन के प्लेस पर टू का यूज करेंगे. तो ये रही हमारी छोटी सी हेडिंग. उसके बाद और आपकी टॉपिक है जिसका नाम है सिमिली. सिमिली के बारे में आप समझ लीजिए, देखिए सिमिली में होता क्या है. सिमिली में दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है. ये कह सकते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है. जब सिमिली के अंदर दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, तो उनके लिए कुछ खास वर्ड का यूज किया जाता है. क्या है, सबसे पहला एस, एस का यूज किया जाता है, जिसमें आपका एडजेक्टिव होगा, और दूसरा आपका लाइक के साथ भी यूज किया जाता है. तो याद रखिए, जब भी एस एस का यूज किया जाए जिसमें एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पर जब दो चीजों का कंपेयर किया जाए तो आपका क्या कहलाएगा, सिमिली किया जाएगा. और जब डायरेक्ट कंपेरिजन करकर लाइक लगाकर कंपेरिजन किया जाए, तब यूज केस में आपका सिमिली होगा. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अस
blind as a bat. यहाँ पर देखिए आपका adjective blind यूज किया गया, उससे पहले as, यहाँ पर bat मतलब चपलाचल होती है, तो किसी यहाँ पर कोई एक पर्सन का यूज करेंगे या जो भी चीज यूज करेंगे उसका कंपैरिजन हम डायरेक्ट किससे कर रहे हैं, बैट से, किस क्वालिटी को लेकर कर रहे हैं, ब्लाइंड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बैट होती है उसे दिन को ज्यादा भी दिखाई नहीं देती है, इसका यूज कर गया ब्लाइंड यूज कर गया, ठीक है, अस ब्लाइंड अस बैट। इसी तरह के इसी तरह से और होता है जैसे अस ब्रेव अस ब्लाइंड, ब्लाइंड की क्वालिटी पाए जाते हैं क्या होता है, ब्रेव बहादुर होता है, तो किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग का यूज कंपेयर कर सकते हैं लाइन से बहादुरी के केस में। इसी तरीके से अस्टनिंग अस फॉक्स, फॉक्स की क्वालिटी के बारे में तो कनी होता है। अब यहाँ पर उसके साइड में है लाइक से, जैसे लाइक स्कैटर्ड लाइक स्कैटर्ड से, इसी तरीके से अगला है लाइक द आईज ऑफ ए हॉक, ए फेस लाइक ए मास, ए गर्ल लाइक ए डॉल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चीज का डायरेक्ट कंपेरिजन किया जा रहा है दूसरे, जैसे यहाँ पर चौथे सेंटेंस में देखेंगे गर्ल लाइक ए डॉल, यहाँ पर गर्ल का जो गर्ल की जो कंपेरिजन की गई है वो डायरेक्ट इससे की जा रही है डॉल से, कि डॉल की जैसी लड़की है, हम अक्सर कहते हैं कि गुड़िया की जैसी लड़की है। तो ये रहा आपकी छोटी सी टॉपिक सिंपली, तो सिंपली के बारे में आप सिंपली याद रखेंगे, इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करने के लिए दो वर्ड की यूज किया जाता है, तो एस एस से कंपेयर किया जाता है, दूसरा लाइक से कंपेयर किया जाता है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज थ्री, एक्सरसाइज थ्री में देखिए क्या है, द टेबल बिलो कंपेयर फाइव चिल्ड्रन इन एज हाइट एंड वेट, वेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए फाइव चिल्ड्रन है, उन फाइव चिल्ड्रन की एज हाइट और वेट को कंपेयर किया जा रहा है, राज सबसे पहले राज है, राज की एज 9 साल है, उसकी हाइट 135 सेंटीमीटर और वेट अब उसका 30 kg। उसके बाद दूसरा जो चिल्ड्रन है वो है आपका प्रिया, प्रिया की एज 8 ईयर्स, हाइट 128 सेंटीमीटर और वेट 26 kg। इसी तरीके से आसिफ, पायल और हरजीत है, इसके बेस पर कुछ ब्लैंक स्पेस कुछ सेंटेंस दिए गए, उन्हें ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको करेक्ट एडजेक्टिव का करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करना है। जैसे पहला है आसिफ इज द डैश ऑफ द चिल्ड्रेन, अगर आसिफ की बात की जाए तो आसिफ इसमें देखिए एज को लेकर बता रहा है, तो आसिफ सबसे ज्यादा एज है, तो सबसे ज्यादा इसका मतलब हाईएस्ट क्वालिटी को दिखाना है, तो हाईएस्ट डिग्री को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, तो ओल्ड की सुपरलेटिव आपकी क्या हो जाएगी, ओल्ड, ठीक है। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, पायल इज द डैश ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पर पायल क्या ली गई, यंग, यानी क्या नाम है, यहाँ पर भी एज को लिया गया है कि यंग का मतलब छोटी, तो देखिए पायल की अगर एज की बात की जाए तो पायल जो है सबसे छोटी है, तो सबसे छोटे के लिए क्या यूज किया जाएगा, जिसमें भी हाईएस्ट डिग्री का यूज किया जाएगा, तो यंग की हाईएस्ट डिग्री जब भी बोला जाए तो आप जानिए कि सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो यंग की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, यंगेस्ट, यहाँ पर आपको यूज किया जाएगा यंगेस्ट। इसी तरह से आप फोर्थ को देखिए, फोर्थ में आपका है हरजीत इज नॉट एज एज प्रिया, जब भी एज एज का यूज हो तो हमेशा एडजेक्टिव का पहली फॉर्म यूज की जाएगी, पहली फॉर्म मतलब पॉजिटिव फॉर्म यूज की जाएगी, ओल्ड का पॉजिटिव फॉर्म ओल्ड ही होता है, यहाँ पर आपका क्या आएगा ओल्ड, ठीक है, हमेशा जब भी एज यहाँ पर लगा हो एज यहाँ पर लगा हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का मतलब पॉजिटिव फॉर्म यूज की जाएगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं फिफ्थ वन में है पायल इज डैश देन हरजीत एंड प्रिया, इसमें पायल कंपेयर किया जा रहा है किससे, हरजीत और प्रिया से, तो अगर पायल को देखें क्या देखा जा रहा है, हाइट को देखा, क्योंकि शॉर्ट बताया जा रहा है, पायल को अगर देखें पायल की हाइट उसकी है 126 सेंटीमीटर और हरजीत और प्रिया की हाइट है 128, इसका मतलब पायल जो है उन दोनों से क्या है छोटी है, तो छोटी का मतलब कंपेयर किया जा रहा है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, तो शॉर्ट की कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी शॉर्टर, तो फिफ्थ में आपका क्या फिलअप किया जाएगा शॉर्टर, इसे फिफ्थ डिग्री।